वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम आपको अपडेट देने आए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे। लो राइज आपने अपार्टमेंट देखे होंगे सिग्नेचर ग्लोबल के, तो आज उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट देना है आपको। पीछे की साइड दिख रहा होगा, अभी ये पटौदी रोड से हम आए हैं। बाकी इसकी टू वे कनेक्टिविटी हो गई है द्वारका एक्सप्रेस वे से, जहाँ रामप्रस्था का गेट लगा हुआ है सेक्टर 37 डी में अपोजिट टू परीना, और जो हम दूसरे रास्ते से आए हैं वो आए पटौदी रोड से। अभी हम आपको गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम आपको दिखाने आए हैं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 37 डी का कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये लो राइज अपार्टमेंट है आपके, ये इनका पटौदी रोड से कनेक्टिविटी है। ये देखेंगे तो ये इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कमर्शियल। ये देखिए, अभी हम इस रोड से आए हैं टूवर्ड्स पटौदी रोड। विजिबिलिटी लो है इसलिए हम आज आपको जितना अपडेट हो सके उतना देंगे, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। ये पटौदी रोड की कनेक्टिविटी है, ये देखिए ये वाली जो गई। वापस आते हैं, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन रेट दिखाते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे कैसे है इनका पूरा एरिया कवर करके। ये इनका पटौदी रोड से आए आप, ये कमर्शियल इनका बन गया यहाँ पे। ये देखिए पॉल्यूशन होने की वजह से, देखिए ऑरेंज थोड़ी वीडियो में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है थोड़ी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सारे ब्लॉक कंप्लीट कर दिए, कुछ ब्लॉक्स का इसमें इस तरीके से काम हो चुका है। ये इनका कंस्ट्रक्शन अपडेट है। ये देखिए ये वाली एंट्री जो इन्होंने निकाली है वो निकाली है द्वारका एक्सप्रेस वे से, ये घूम के ये जा रही है जैसे कि साइड से ये आपने देखा होगा। इनका ये मिलेनियम 4 है,
ये साइट है प्रॉपर। जैन के फ्लोर बन रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन अपडेट है इनका। किसी को कोई और अपडेट चाहिए उससे रिलेटेड काइंडली लेट अस नो। विजिबिलिटी भी लो है इसलिए हम ज़्यादा आपको इसका अपडेट दे नहीं पाएंगे भाई। गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम आपको दिखाने आए हैं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर।